हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जो विद्यार्थी क्लास टेंथ में चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम आपको आलेखन कला के बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक के होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, जिससे कि आपको हर चीज़ आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं आप, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही से आपको आते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, मुख्य रंग कितने हैं? पहला प्रश्न है आपका, मुख्य रंग कितने हैं? 3, 2, 5, 7। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग होते हैं मेरे प्यारे दोस्त विद्यार्थियों 3। उसके बाद आपका सेकंड प्रश्न है आपका, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरा। और आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल, नीला, हरा, धानी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल। जो लाल रंग होता है वो गर्म होता है। चौथा प्रश्न है आपका, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6, 5। तो कितने होते हैं? 8। 8 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नारंगी। तो कौन सा है? नारंगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा प्रश्न हो जाएगा आपका, कौन से रंगों का माध्यक पारदर्शी होता है? जल रंग, तेल रंग, एक्रिलिक रंग, पेस्टल रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेल रंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला, नीला, आसमानी, नारंगी। तो कौन सा होता है? काला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी, आसमानी, नारंगी, भूरा। तो कौन सा रंग बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी। उसके बाद आपका नवा प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, धानी, बैंगनी, आसमानी। तो कौन सा बनेगा? नारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दसवा, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6, 2, 10, 3। तो द्वितीयक रंग होते हैं वो कितने होते हैं? तो कितने होते हैं वो? 3 होते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, सफ़ेद, हरा, पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो पीले रंग का विरोधी होता है वो कौन सा होता है? नीला रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 10। तो कितने होते हैं इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। जो इंद्रधनुष में होते हैं वो 7 रंग होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है आपका, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली। तो किस भाषा का है? तो जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। 14वां क्वेश्चन आपका, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, HB, 2H,
एच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H, HB, 2B, 4B, तो कौन सी होती है? 2H, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2H। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 प्रश्न है आपका, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 प्रकार के। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।